ये एक और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, सामने पहाड़ की चोटी है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता होगा जहाँ से हम आगे जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठे हैं ताकि बाकी साथी हमें ज्वाइन कर लें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, कश्मीर की खूबसूरती इधर आके पता लगी है। लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत नज़ीर, सच कहते हैं। फिर मैं एक बार दोबारा कहूँगा कि अगर आपने कश्मीर की खूबसूरती देखनी है तो केल से आगे सफ़र करें, केल से आगे बहुत खूबसूरत कश्मीर है। और ये जो रास्ता हमने इख्तियार किया है मिनीमर्ग जाने के लिए, ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में से आता है, बहुत कम टूरिस्ट इस रास्ते से गुज़रता है। मकामी लोग तो यहाँ पे हैं लेकिन टूरिस्ट बहुत कम यहाँ से गुज़रता है। जितने भी लोग मिनीमर्ग जाते हैं वो गिलगित वाला रास्ता इस तौर से इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें परमिशन भी मिल गई, हमारे गाइड सुल्तान साहब बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, इस रास्ते से वाकिफ़ हैं और हम इनके साथ चलते जा रहे हैं, इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। में बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से इस ट्रैक की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मौसम बड़ा अच्छा है, बादल हैं, धूप अभी तक हम तक नहीं पहुंची, लेकिन अच्छा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ग्लेशियर के ऊपर चलते हैं क्योंकि उधर रास्ता नहीं है, तो इस ग्लेशियर को ऊपर से क्रॉस करते हैं। आगे ऊपर होना पड़ेगा, ये नीचे रास्ता कीचड़ वाला है, पैर स्लिप हो सकता है, तो ये थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त 11:05 हुए हैं, 6:45 के हम चले हुए हैं, 5-5, 10-10 मिनट का रेस्ट करके अभी हम इस लोकेशन पे पहुँचे हैं। इसका नाम नहीं पता लेकिन बस चलते जा रहे हैं। अभी रास्ते में एक हारून बेस आनी है, वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा बैठे हैं, यहाँ चाय शाय बनाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। यहाँ से थोड़ा दरख्तों के पार कमरी टॉप नज़र आ रहा है, लेकिन अभी वो बहुत दूर है। देखें हमें हमारी हिम्मत कब तक साथ देती है, कब तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं। वो कमरी क्रॉस करेंगे तो फिर कुछ मंजिलबाजी होगी। जाहिद भाई पानी लेने जा रहे हैं, बाकी दो साथी वो पीछे आ रहे हैं। जल चुकी है और थोड़ी देर में चाय तैयार हो जाएगी। एक जंगल में बैठे हुए हैं हम, और ये पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है इसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी बैठी है, और उस तरफ उसके पार हमारा दुश्मन है, हमारी फौज चाकू चौबंद बैठी हुई है, और हम अपना टूर एंजॉय कर रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद। ये हम अब सारे साथी
चाय पी रहे हैं। और ये तीन दोस्त जो हैं ये तस्वीरों के लिए लड़ रहे हैं। चाय पी के हम लोग निकले हैं और आगे रास्ता जो है वो बहुत बारीक सा ट्रैक है, जिसकी वजह से हम रास्ता चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम शायद क्रॉस ना कर पाएं। तो देखते हैं कि हम कौन सा ट्रैक यूज़ करते हैं। इधर पानी है और ऊपर रिस्क वाला एरिया है। डॉक्टर साहब ने हिम्मत की है, अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए। और ये डॉक्टर साहब करीब पहुंच गए हैं, पीछे हमारे गाइड साहब भी चले गए हैं। बाकी दो साथी अभी सोच रहे हैं क्या किया जाए। मैं अभी पीछे खड़ा भी वीडियो बना रहा हूँ, अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पाया। और डॉक्टर साहब तकरीबन पहुँच ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्रॉस कर लिया है और अब शिराज़ और जाहिद भाई रह गए हैं। डॉक्टर साहब हमसे पहले आ गए थे। ये अभी हम यहाँ पे ज़रा 5-10 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं ताकि बाकी साथी हमें ज्वाइन कर लें। ये हारून बेस है, बेस ऊपर है पहाड़ों पे। यहाँ हमें पहुँचने में पूरे 6 घंटे लगे हैं। 6:45 पे हम लोग निकले थे और अब इस वक्त 12:45 हो रहे हैं। पूरे 6 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी आगे देखेंगे आगे कितना सफ़र है, कुछ पता नहीं। इस वक्त 1:30 बज रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट के गैप से ये एक और बस्ती सामने नज़र आई है। नाम इसका पता करते हैं, कौन सी बस्ती है। यहाँ से भी कुछ खाने पीने के लिए मिल सकता है। बाकी साथी के साथ साथ ही हैं और रास्ता चल रहा है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो हैं एक लोकेशन पे बैठे हैं, अभी इसका नाम पता करते हैं। असल में हमारे जो गाइड थे वो खच्चर के साथ थे, तो हमारा जो बैग था जिसमें खाने पीने का सामान था वो कहीं गिर गया है। तो हम यहाँ पे बैठे इनका इंतज़ार कर रहे हैं और खच्चर ये खड़ा है और गाइड हमारे पीछे गए हैं। यहाँ हमारे भाई मिल गए हैं। सर आपका नाम क्या है? निसार अहमद। इसरार अहमद। अच्छा, ये जो आपकी जगह है जो ऊपर मैंने बस्ती देखी है इसका क्या नाम है? मस्जिद वाली डोक। अच्छा, और यहाँ से आप बता रहे हैं कि हम डोडा वाली, अब कश्मीर हम क्रॉस कर रहे हैं, अब हम गिलगित में एंटर हो गए हैं। चलो ये तो हमारी अचीवमेंट है कि हम कश्मीर से गिलगित में एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे सामने जो आपको टॉप नज़र आ रही है वहाँ से ये जो लेफ़्ट साइड पे गैप खाली नज़र आ रहा है ये कामरी टॉप है। कामरी टॉप से फिर बता रहे हैं कि वहाँ पे हमारी एक बेस कैंप है आर्मी का, और वहाँ से उतर के जो है फिर वो कामरी आएगा और वहाँ से भी जीप मिल सकती है। तो हम देखते हैं कि हिम्मत मारते हैं। इस इलाके के बारे में कुछ बताएं सर। बस यार ये इलाका मालमोशी के लिए है। अच्छा, तो ठंडा पानी है यहाँ बोर का। आप किस इलाके से आए हैं? मैं भलाई से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, भलाई से। तो कितने अर्से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ 2-3 महीने के बाद हम आए हैं, यहाँ से वक्त कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जाहिद भाई कुछ कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीर से गिलगित में एंटर हो गए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत खूबसूरत और बहुत टफ ट्रैक था, मज़ा आया। आगे और टफ है, वो आप ऊपर चोटी देख रहे हैं ना। यहाँ से हमें इसको घूमते हुए इसके पीछे जाना है। इसे जाकर फिर हमारा दूसरे दिन का भी एक दिन का ट्रैक है जो हम इंशाल्लाह पैदल ही करेंगे। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नीचे आप उतरेंगे ना तो 2-3 घंटे तक तो जीप मिल जाएगी, लेकिन हम पैदल ही जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और हमने जहाँ पे एक कैंप लगाना है वो जगह करीब है।
अगर आपको नज़र आए तो हम कामरी टॉप के करीब करीब तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ऊपर आपको चेक पोस्ट भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी हमारे पास से 2 घंटे मज़ीद हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में चलना मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कोई अच्छी जगह देख के वहाँ पर स्टे करें, फ़्रेश हो जाएँ और फिर बाकी का सफ़र जो है सुबह तय करेंगे। ये आखिरी 1.5 घंटे की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टफ थी, सारा दिन भी इतने नहीं थके थे कि 1 घंटे में जो है हम इतना थक गए हैं। सांस फूल रही है और अभी बाकी साथी पीछे हैं, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ा सा सफ़र और है, इंशाल्लाह फिर हम आराम करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं जी डोडा टॉप पर, और बस यहाँ से हमारा कुछ ये फासला रह गया। ये जो टॉप है सामने, ये अभी जो आज भाई जो आपको दिखा रहे हैं ये टॉप है। यहाँ पर इंशाल्लाह हम आज रात थोड़ा सा ये ऊपर हम खेमा लगाएंगे और उसके बाद हम सुबह ये टॉप क्रॉस कर देंगे। ये जगह सेलेक्ट की है कैंप लगाने के लिए, और अभी हमारे गाइड जो हैं वो लकड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि आग जलाई जा सके। यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर हैं आसपास, जगह सुकून वाली है, अल्लाह करे रात अच्छी गुजर जाए। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है और बस अब दिल कर रहा है कि अब सो जाएं। शाम हो चुकी है और सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुआद भाई हमसे कोई 15 मिनट पहले आके इन्होंने एक खैमा लगा दिया है, माशाल्लाह इनकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, और ये दूसरा खैमा लगा रहे हैं हमारे लिए। और ये देखें, ये खैमा एक दूसरा, ये पीछे ये सारे जानवर और सामने इंडियन। हम समझे थे कि पिक्चर अब ख़त्म हो गई और अब हम कैंप में आराम करेंगे और बाकी का सफ़र सुबह करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि पिक्चर अभी बाकी है।